ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलो। भाजपा को लड़कर हराने के संकल्प के साथ शुरू हुआ इंडिया गठबंधन अब आपस में लड़ने की कहानी कहने लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को सीट देने से इनकार क्या किया कि इंडिया गठबंधन की गांठें खुलने लगी। जिस इंडिया अलायंस के सहारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की फिराक में विपक्ष लगा हुआ है और उसके इस तरीके से यूपी में जो आसार नजर आए हैं, यानी उनके सबसे बड़ा जो है सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है और उनके सपा सुप्रीमो कांग्रेस के अलायंस को लगभग ख़त्म होने की बात कहकर मीडिया बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अब इस गठबंधन में दरारबाजी जारी हुआ है। कांग्रेस के इनकार के बाद समाजवादी पार्टी ने 5 की बजाय 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार दिए तो कांग्रेस का ईगो हर्ट हो गया। लेकिन जवाब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से नहीं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बोल पड़े कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। ये बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नागवार गुजरी और उन्होंने ये बयान देने वाले कांग्रेस अध्यक्ष को इशारों इशारों में चिरकुट कह दिया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलो। हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाले अखिलेश यादव कांग्रेस पर भाजपा से कहीं ज्यादा तल्ख हो गए। तल्खी इतनी कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उनकी औकात याद दिला दी। देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात का भरोसा नहीं करता। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की कहानी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। साथ ही सवाल उठने लगा है कि ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन कितनी ताकत में है। इस कहानी की शुरुआत भले ही मध्य प्रदेश से मानी जा रही हो, लेकिन इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में है। याद कीजिए 2017 का चुनाव, यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल दोनों साथ है। समाजवादी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी और कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से बाहर और यूपी के सियासी कारागार की तन्हाई बैरक में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर और बीमार कांग्रेस को 100 सीटें दे दी। देखिए, 2017 का आप याद करें, विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने 100 सीटें दी थी कांग्रेस को। तो शायद इसी मंशा के तहत समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें 6 सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने सपा के साथ में जो मतलब एक भी उसे सीट नहीं दी, तो ये थोड़ी नाराजगी है सपा प्रमुख के अंदर। कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी। इसके बाद 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 0 सीट पाने वाली बसपा को आधी सीटें दे दी। जानकार कहते हैं कि सीटों के बंटवारे में अखिलेश यादव ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। इसी बड़े दिल की उम्मीद उनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस से थी, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश का दिल तोड़ दिया। दिल टूटा तो अखिलेश का नेचर भी बदल गया। हमेशा मुस्कुराकर पत्रकारों की बात का जवाब देने वाले अखिलेश यादव की मुस्कान गुरुवार को गायब थी। जुबान में कड़वाहट थी। सभी बातों को मुस्कुरा के जवाब देने वाले अखिलेश जिस तरीके से अगर बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या इसे झुंझलाहट कहेंगे या फिर आपसी जो है व्यवहार तल्ख है? अब परिस्थितियां जैसी रही हो, अब हमेशा हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हमेशा कोई मुस्कुराता नहीं है ना। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या करना है? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। थोड़ी सी रस्साकसी चल रही है। मुझे लगता है कि अगर ऊपर के लोग आपस में बात करेंगे तो ये गठबंधन का
के साथ में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव, ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद की तलखी है, अभी लोकसभा के चुनाव का फार्मूला बाकी है। जो बात ये कही गई कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक सीट जीती थी तो इसलिए उस सीट शेयरिंग का फार्मूला उस तरीके से रखा जाए, ये पहली बात इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस है, इनका काम है अभी से ही एक दूसरे मत्थे हार का ठीकरा फोड़ना। और आप जान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लोकप्रियता देखकर ये हताश निराश हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 में सरकार बनाने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सब अभी से मन मना रहे हैं कि ठीकरा किसके, अखिलेश यादव भी आप जान रहे हैं कि उनका कहीं कुछ नहीं, एसी में पड़े हैं, उनके पार्टी के नेता भी उन पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो हताश और निराश होकर हार का ठीकरा कांग्रेस के मत्थे फोड़ना चाह रहे हैं। छोर छोर मौसेरे भाई, इससे पहले भी एक दो बार ये आपस में गठबंधन कर चुके हैं और मैं एक दूसरे को हार के ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ चुके हैं। यही ये पहले 24 में भी हार के बचने के लिए किसके मत्थे हार ठोकी जाए, अभी से कांग्रेस के मत्थे इन्होंने अपनी हार जिम्मेदारी उनको दे दी है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकार कहते हैं कि आने वाले वक्त में दिल्ली के नेता और पटना के भीष्म पितामह अखिलेश यादव को मना लेंगे। गठबंधन टूटेगा नहीं, दल मजबूरी में ही सही लेकिन आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन दिल तो टूट चुके हैं, वो कब जुड़ेंगे पता नहीं। अभी जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया, तो ये दोनों तरफ के जो बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी से लग रहा है कि दल तो मिले गठबंधन के रूप में मगर दिल अभी नहीं मिल पाए हैं। कहीं ये दरारबाजी अहम को लेकर तो नहीं है? हालांकि वजह कोई भी हो लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन में दल मिल गए हैं और दिल नहीं, ये कहीं ना कहीं से गठबंधन के लिए 2024 को लेकर होने वाले परिणामों के लिए बहुत सही साबित नहीं होगा। लखीमपुर की रिपोर्ट, गोपाल गिरी।